और देखिए सूरतगढ़ से खबर है, शराब के नशे में धुत ट्रैक्टर चालक ने जमकर मचाया उत्पात। NH-62 पर हिंदौर टोल प्लाजा के पास एक होटल पर मचाया उत्पात। और देखिए शराबी ट्रैक्टर चालक के उत्पात का वीडियो भी सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है और होटल में तोड़फोड़ कर किया नुकसान। वहीं घटना के दौरान लोहे का पाइप लगने से एक व्यक्ति भी गंभीर रूप से घायल हो गया। और देखिए मामूली बोलचाल के बाद ट्रैक्टर चालक ने उत्पात मचाया। NH-62 पर सूर्या गौशाला के समीप फौजी होटल का ये बताया जा रहा है पूरा मामला। और तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से इस ट्रक चालक ने तोड़फोड़ की है और ट्रैक्टर चालक ने शराब के नशे में धुत होकर तोड़फोड़ की है। और मामूली बोलचाल के बाद ट्रैक्टर चालक ने उत्पात मचाया। और होटल के अंदर की तस्वीरें जहां पर ट्रैक्टर चालक लगातार तोड़फोड़ करता हुआ और होटल के लोगों से विवाद करता हुआ नजर आ रहा है। और देखिए ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं, ये वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। वन विभाग इन दिनों झालावाड़ वन भूमि पर अतिक्रमण को लेकर सख्त है। और देखिए वन विभाग के उप वन संरक्षक सागर पवार, सहायक उप वन संरक्षक संजू शर्मा की टीमों द्वारा वन विभाग की जमीनों को अतिक्रमण मुक्त करवाया जा रहा है। और इसी कड़ी में वन विभाग मनोहर थाना के क्षेत्रीय वन अधिकारी दीपक मालव ने कोलूखेड़ी क्षेत्र में 50 बीघा जमीन को अतिक्रमण से मुक्त करवाया। और वन विभाग के क्षेत्रीय वन अधिकारी दीपक मालव ने बताया कि सूचना मिली थी कि वन विभाग की 50 बीघा जमीन पर अतिक्रमण को लेकर कुछ अतिक्रमियों ने फसल बुवाई है और इस पर कार्यवाही करते हुए ट्रैक्टर पंच का सहायता से उक्त अतिक्रमण को हटाया गया। और कार्रवाई के दौरान बड़ी संख्या में वन विभाग की टीम और डांगीपुरा के थानेदार सत्यनारायण गुर्जर सहित पुलिस जाब्ता मौजूद रहा। और देखिए करौली सदर थाना क्षेत्र के गुडला गांव में चर्चित समय सिंह हत्याकांड का मामला और पुलिस ने चौथे आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने हत्या आरोपी रामकेश गुर्जर निवासी भगतपुरा को गिरफ्तार किया। पुलिस आरोपी से घटना में शामिल अन्य आरोपियों को लेकर पूछताछ में जुट गई है। और देखिए मामले में 3 आरोपियों की पूर्व में भी गिरफ्तारी हो चुकी है। और राजधानी जयपुर में चोरों का आतंक, घर के बाहर से बाइक का लॉक तोड़कर चोरी की वारदात को अंजाम दिया। जगतपुरा के 7 नंबर चौराहे के पास दिया वारदात को अंजाम, सीसीटीवी कैमरा में कैद हुआ पूरा घटनाक्रम। कल शाम 3:30 बजे की घटना बताई जा रही है। पीड़ित रवि ने सांगनेर थाने में मामला दर्ज कराया है और घर के बाहर से बाइक का लॉक तोड़कर बाइक चोरी का ये मामला सामने आया। और देखिए जयपुर में चोरों का खुलेआम आतंक मच रहा है। सीसीटीवी कैमरा में पूरी चोरी की वारदात कैद हुई। किस तरीके से बदमाश ने बाइक का लॉक तोड़कर और बाइक घर के बाहर से चुरा ली। और देखिए पीड़ित रवि ने सांगनेर थाने में मामला दर्ज कराया है। राजधानी जयपुर में चोरों का आतंक, चोरों के हौसले बुलंद। और देखिए घर के बाहर से किस तरीके से बाइक का लॉक तोड़कर चोरी की वारदात को अंजाम दिया। 7 नंबर चौराहे के पास की यह घटना बताई जा रही है। सीसीटीवी कैमरा में घटनाक्रम कैद हुआ। और देखिए जयपुर से खबर है, शिक्षा मंत्री मदन दिलावर की संदेशशीलता आई सामने और एक नेत्रहीन अध्यापक की मांग पर लिया एक्शन। और नेत्रहीन अध्यापक पास की स्कूल में कराना चाहता था, स्थानांतरण। और मंत्री दिलावर की देखिए संवेदनशीलता सामने आई, तुरंत ही अध्यापक की इच्छाहित जगह की स्थानांतरण। और घटना का वीडियो मंत्री दिलावर ने एक्स पर शेयर किया। और देखिए नेत्रहीन अध्यापक के पास स्कूल में करना चाहता था स्थानांतरण और मंत्री दिलावर ने तुरंत ही अध्यापक की इच्छित जगह पर उसका स्थानांतरण कर दिया। जयपुर से एक खबर जहां पर मंत्री मदन दिलावर की संवेदनशीलता सामने आई। जयपुर से खबर है, गृहमंत्री जवाहर सिंह बेड़म और हेरिटेज महापौर मुनेश गुर्जर ने किया हिंगोनिया गौशाला का दौरा। और देखिए गौशाला में गायों को हरा चारा खिलाकर
गौ माता का आशीर्वाद लिया और श्री कृष्ण बलराम ट्रस्ट के संचालकों ने किया मंत्री बेगम और महापौर मुनेश गुर्जर का अभिनंदन। साथ ही दोनों ने किया गौशाला में पौधारोपण। मंत्री जवाहर सिंह के जन्म दिवस पर आज से शुरू किया जाएगा सेवा सप्ताह। राजस्थान गुर्जर युवा महासभा की ओर से मनाया जा रहा है सेवा सप्ताह। और देखिए इसी दौरान दोनों ने गौशाला में पहुंचकर गौशाला का दौरा किया। देश के समाज के लोग इस तरह का 7 दिन का कार्यक्रम रखेंगे। जब गुर्जर महासभा युवा प्रकोष्ठ और गुर्जर महासभा राजस्थान के प्रमुख जनप्रतिनिधि सुबह प्रतिनिधि मेरे पास पहुंचे और उन्होंने कहा कि आपका जन्मदिन 1 सितंबर को है और हमारी टीम ने एक निर्णय लिया है कि हम सेवा सप्ताह के रूप में उसको मनाएंगे और आज से उसका शुभारंभ होना है, आपको उसमें शामिल होना है। तो मैं तो सौभाग्यशाली हूँ कि मेरे छोटे से राजनीतिक सामाजिक कार्यकर्ता के जन्म दिवस के अवसर पर, जन्मदिन के अवसर पर ऐसे समाज के प्रमुख लोगों ने ये कार्यक्रम रखा है जो गरीबों के लिए, वंचितों के लिए, पर्यावरण के लिए, गौ सेवा के लिए और आम व्यक्ति के लिए विभिन्न कार्यक्रम। मंत्री जी के जन्मदिन को पूरे गुर्जर समाज ने और जितनी भी हमारी संस्थाएं हैं उन सब ने सेवा के प्रकल्प से इसको शुरू किया है और इससे बड़ा कोई ध्येय नहीं होता। जब मानव वंचित और गरीब लोगों की सेवा करते हैं उससे बड़ा पुण्य नहीं हो सकता। ये बहुत ही अच्छा सौहार्दपूर्ण पहल है कि हम सेवा के भाव से जन्मदिन को मनाएं। इससे ये पूरे राजस्थान में भी सीख जाती है कि अपने जन्मदिन को जो जश्न और पार्टी से छोड़कर हम सेवा के रूप में मनाते हैं तो वो बहुत बड़ा कार्य होता है। और इसके लिए मैं माननीय मंत्री जी को भी धन्यवाद दूंगी और पूरी गुर्जर सभा जितनी भी है हमारी। और देखिए खबर जयपुर के सामोद कस्बे से है जहां पर अरावली की पहाड़ी पर स्थित वीर हनुमान मंदिर में मॉक ड्रिल की गई जिसमें 2 आतंकियों के घुसने की सूचना मिली, जिस पर मौके पर पहुंची एटीएस टीम ने पहाड़ी की चढ़ाई कर मंदिर परिसर को चारों ओर से घेर लिया और इस दौरान एटीएस टीम ने मंदिर के पीछे छिपे 2 आतंकियों को तलाश। एक घंटे के अंदर ऑपरेशन के बाद मंदिर में छिपे एक आतंकी को मार गिराया। साथ ही दूसरे आतंकी को जिंदा पकड़ लिया गया। और देखिए मॉक ड्रिल का यहाँ पर आयोजन हुआ वीर हनुमान मंदिर में। एटीएस की मॉक ड्रिल, 2 आतंकियों के घुसने पर ऑपरेशन किया गया। एटीएस के एक आतंकी को ढेर किया और दूसरे आतंकी को जिंदा पकड़ लिया। और राजस्थान प्रदेश कमेटी के अल्पसंख्यक विभाग के प्रदेश अध्यक्ष आबिद कागजी आज एक दिवसीय दौरे पर जोधपुर पहुंचे। जोधपुर में मीडिया से बात करते हुए 15 दिन में 5 रेप की घटनाओं पर चिंता जताते हुए इन घटनाओं की निंदा की है और उन्होंने कहा कि ये जोधपुर एक ऐसी जगह है जहां पर ख्याति पूरे विश्व में जिसकी ख्याति है और हमारे पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत इसी जिले से आते हैं। जब वे मुख्यमंत्री थे तो ऐसी घटनाओं पर लगाम लगी हुई थी लेकिन अब जब से राजस्थान में भाजपा की सरकार आई है तब से घटनाओं में बढ़ोतरी हुई है। होगा अभी पश्चिम बंगाल में एक लेडी डॉक्टर के साथ घटना हुई। भारतीय जनता पार्टी कितना एग्रेसिव होके आए दिन वह तोड़फोड़ कर रही है। महाराष्ट्र के बदलापुर में घटना हुई, वो आए दिन भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता या नेता बहुत उग्र होकर कार्यक्रम कर रहे हैं और इसकी निंदा कर रहे हैं लेकिन जब घटना राजस्थान की बात आती है तो सारे बीजेपी के कार्यकर्ता और नेता शांत हो जाते हैं और एक जिले से 5 घटनाएं होना ये बहुत ही। और देखिए अजमेर के पीसांगन में सेठन दरवाजे के पास तेज बहाव से बहती सागरमती नदी पार करते वक्त एक युवक बाइक समेत नदी में बह गया और देखिए नदी में गिरने के साथ ही बाइक नाले में फंस गई। वहीं युवक बहते नाले में पानी के साथ नाला क्रॉस होकर दूसरे छोर पर पहुंच गया और तैरकर बाहर निकला और मौके पर मौजूद ग्रामीण ताले में फंसी बाइक निकालने की मशक्कत में जुट गए लेकिन तेज बहाव में चलते बाइक नहीं निकाल पाए। बाद में क्रेन की मदद से नाले में फंसी बाइक को निकाला गया। आपको बता दें कि कुछ दिनों पूर्व एक युवक पैदल नदी पार करते वक्त गिर गया और बहते पानी में रपट के नीचे नाले से क्रॉस होकर दूसरी ओर बाहर निकाला गया। आज बाइक से नदी पार करते वक्त फिर घटना घटित हुई और इसी के बाद ग्रामीण जान जोखिम में डालकर नदी में आवाजाही करने में जुटे हुए हैं जिससे कभी भी जनहानि होने की आशंका बनी हुई है। कोटा में महिला से दुष्कर्म का मामला और बीते दिनों सामने ये मामला आया था। इस मामले में महिला ने नयापुर थाने के कांस्टेबल के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया और इस मामले पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपी कांस्टेबल को गिरफ्तार कर लिया है। साथ ही पुलिस उपाधीक्षक द्वितीय ने
बताया कि दूसरे दोनों दूर के रिश्तेदार हैं और दोनों नयापुर थाना क्षेत्र में रहते हैं, जबकि उनकी पोस्टिंग अलग अलग जगहों पर है। और वही बीकानेर के नोखा से बड़ी खबर है। नोखा बाईपास पर गौवंश से भरे दो ट्रक पकड़े गए। जागरूक युवाओं ने पीछा करके दो गाड़ियों को रुकवाया और वाहनों के एक दर्जन से ज्यादा गाय और बछड़े बचाए गए। और देखिए, सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बीकानेर के नोखा से युवाओं ने पीछा करके दो गाड़ियों को रुकवाया और गाड़ियों में गौवंश से भरे दो ट्रक पकड़े गए। बाईपास पर दो ट्रकों में गौवंश से भरे यहां पर दो ट्रक पकड़े गए। और देखिए, बाईपास पर ये गौवंश से भरे ट्रक जा रहे थे और सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची। बीकानेर के नोखा से ये बड़ी खबर, जहां पर देखिए युवाओं ने सक्रियता दिखाते हुए, सतर्कता दिखाते हुए यहां पर गौवंश को ले जा रहे बदमाशों का पीछा किया और उसके बाद गौवंश को पकड़ा। और देखिए, गायों को ले जाया जा रहा था ट्रकों में भर के, गायों को, गायों के बछड़ों को, और यहाँ पर युवाओं ने जागरूकता दिखाते हुए दोनों ट्रकों का पीछा किया, पुलिस को सूचना दी और मौके पर पुलिस पहुंची और फिर गौवंश को डिटेन करा। और बीकानेर के नोखा से एक खबर, जहां पर देखिए युवाओं ने पीछा करके दो गाड़ियों को रुकवाया और उनमें से गौवंश को मुक्त करवाया। और देखिए, डीक के कामा से बड़ी खबर है। रांची की उच्च प्राथमिक विद्यालय में 9 बजे तक नहीं पहुंचे अध्यापक और छात्र छात्राओं ने किया विद्यालय के गेट खुलने का इंतजार। पूर्व में भी अध्यापकों के लेट आने पर ग्रामीणों ने की थी शिकायत। और देखिए, शिक्षा विभाग के अधिकारी नहीं दे रहे ध्यान। ग्रामीणों में अध्यापक और शिक्षा विभाग के प्रति नाराजगी देखी गई और यहाँ पर सुबह 9 बजे तक भी अध्यापक विद्यालय नहीं पहुंचे और जो छात्र छात्राएं हैं वो स्कूल खुलने का इंतजार करते रहे। और पूर्व में भी अध्यापकों की नामौजूदगी की जानकारी सामने आई है और शिक्षा विभाग के अधिकारी इस मामले पर संज्ञान नहीं ले रहे हैं, ध्यान नहीं दे रहे हैं। और वही नीमका थाना के उदयपुर वाटी से खबर है। उदयपुर वाटी विधानसभा क्षेत्र के नांगल ग्राम पंचायत में राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय प्रांगण में रात्रि चौपाल कार्यक्रम का आयोजन हुआ और जिसके दौरान जिला कलेक्टर शरद मेहरा ने ग्राम पंचायत के लोगों से रूबरू होते हुए उनकी समस्याएं सुनी। इस दौरान ज्यादातर पंचायत में पानी, आम रास्ते, नालियों के मुद्दे छाए रहे। और देखिए, रात्रि चौपाल में कुल 34 समस्या जिला कलेक्टर को प्राप्त हुई, जिस पर अधिकांश समस्याओं का मौके पर ही समाधान किया गया। सिरोही के माउंट आबू से खबर है। माउंट आबू का दूसरा बड़ा जल स्त्रोत लोअर कोदरा डैम पर चली चादर। और देखिए, रात भर हुई बारिश के चलते लोअर कोदरा डैम हुआ ओवरफ्लो और 59 फीट की भराव क्षमता वाला बांध भरने से आबूवासी हो रहे हैं खुश। और देखिए, बांध के भरने से अब आबू शहर में नहीं होगी पेयजल की समस्या। और ये बड़ी समस्या पेयजल की आबू क्षेत्र में देखी जाती थी और अब पानी की आवक से ये समस्या नहीं देखी जाएगी। शहर में नहीं होगी पेयजल की समस्या। 59 फीट का बांध का जल स्तर देखा गया। और सिरोही के माउंट आबू से आपको एक बड़ी खबर बता दें, बांध के भरने से अब आबू वासियों में खुशी की लहर। और देखिए, सिरोही के माउंट आबू से आपको ये बड़ी खबर बता दें, जहां पर देखिए शहर में नहीं होगी अब पेयजल की समस्या क्योंकि बांध में पानी की आवक शुरू हो चुकी है। 59 फीट की भराव क्षमता वाला बांध भरने से आबूवासी खुश हो रहे हैं क्योंकि लगातार इस इलाके में पानी की समस्याओं को लेकर लोग आए दिन जूझते रहते हैं और ऐसे में जब शहर में पानी की आवक हुई तो आबूवासियों में खुशी की लहर देखी गई। और माउंट आबू का दूसरा बड़ा जल स्त्रोत लोअर कोदरा डैम पर पानी की चादर चली।
और रात भर हुई बारिश के चलते लोअर कोदरा डैम में ओवरफ्लो देखा गया। और देखिए शहर में अब पेयजल की समस्या नहीं देखी जाएगी। सिरोही के माउंट आबू से बड़ी खबर आपको बता दें, और देखिए लोअर कोदरा डैम पर चली चादर और माउंट आबू का दूसरा बड़ा जल स्त्रोत्र लोअर कोदरा डैम ये माना जाता है और रात भर बारिश हुई और इसके चलते लोअर कोदरा डैम हुआ ओवरफ्लो। और देखिए जोधपुर के बिलाड़ा में चारों तरफ पानी ही पानी हो गया है। आपको बता दें कि क्षेत्र में लूणी नदी चौपड़ा फीडर में पानी की तेज आवक से बिलाड़ा से निकलने वाले कई रास्ते बंद हो गए हैं और इसी बीच बता दें कि नदी में तेज बहाव के चलते आज जैतारण से बोरुंदा जाने वाले रोड पर निम्बोल और लोटोटी के बीच लूणी नदी के तेज बहाव में ट्रक बह गया और ट्रक चालक ने ट्रक पर खड़े रहकर अपनी जान बचाने का प्रयास किया और सफलता नहीं मिली। फिर ग्रामीणों ने मिलकर इस ट्रक चालक को बड़ी मशक्कत के बाद सुरक्षित बाहर निकाला। देखिए तस्वीरें आपको बता रहे हैं जोधपुर के बिलाड़ा से, जहां पर पानी का बहाव इतना तेज था कि एक ट्रक पानी के बहाव में बह गया और बाल बाल ट्रक चालक की जान बची। बालोतरा जिले के सिवाना से खबर है, कुंडल गांव में दर्दनाक हादसा सामने आया। कृष्ण जन्माष्टमी के दूसरे दिन मूर्ति के विसर्जन के दौरान हादसा, डीजे साउंड पर लगे जनरेटर के पंखे में कपड़े फंसे और हादसे के दौरान महिला के सिर में आई गंभीर चोट। और देखिए सिर में चोट लगने से महिला हुई गंभीर घायल। हादसे का वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आया है। घायल को कल लाया गया बालोतरा और जिला अस्पताल में गंभीर घायल महिला माफी देवी पत्नी भवाराम सेन ने अस्पताल में तोड़ा दम। क्षेत्र के कुंडल गांव की घटना बताई जा रही है, जहां पर सर पर चोट लगने से महिला ने दम तोड़ दिया और सिर में चोट लगने से महिला हुई गंभीर रूप से घायल। और जन्माष्टमी के दिन यह हादसा हुआ और हादसे का वीडियो भी अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है जमकर। बड़ी खबर आपको बता दें, जहां पर देखिए बालोतरा जिले के सिवाना से खबर बता रहे हैं आपको, जहां पर कुंडल गांव में एक दर्दनाक हादसा सामने आया और हादसे के दौरान महिला के सिर में गंभीर चोटें आई और विसर्जन के दौरान यह हादसा हुआ। डीजे साउंड पर लगे जनरेटर के पंखे में कपड़े फंसे और हादसे के दौरान महिला को सिर में गंभीर चोट आई। ज्यादा जानकारी के लिए कानाराम माली हमारे साथ सीधा थानाराम माली हमारे साथ सीधा फोन लाइन पे जुड़ गए हैं। थानाराम, क्या कुछ ये जानकारी इस मामले को लेकर, कैसे ये हादसा हुआ, इतना गंभीर हादसा कि महिला के सिर में गंभीर चोट आई और फिर अस्पताल में उसने दम तोड़ दिया, फिलहाल क्या कुछ जानकारी? बिल्कुल बता दो कि ये बालोतरा जिले के सिवाना क्षेत्र के कुंडल का मामला है, जहाँ कृष्ण जन्माष्टमी के दूसरे दिन जो मिट्टी से बनी हुई मूर्तियों का विसर्जन किया जाता है, उसके दौरान ये जो हादसा सामने आया है, जो खुशियां थी वो गम में तब्दील हो गई। बता दो कि डीजे पे जो ये महिला नृत्य कर रही थी, उस दौरान उसका जो कुंडली थी वो उसके अंदर आ जाती है, पहिए के अंदर इसकी चपेट में आने से उसकी वहां दर्दनाक मौत हो जाती है। ठीक है, शुक्रिया आपका था तमाम जानकारी के लिए।